हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिकली कपल सर्किट्स। अगर आपको इस टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट। सो व्हेन द टू इंडक्टर्स दे आर प्लेस्ड फिजिकली क्लोज टू ईच अदर, देन ड्यू टू द करंट फ्लो इन द फर्स्ट इंडक्टर देयर विल बी सम मैग्नेटिक फ्लक्स, पार्ट ऑफ विच विल लिंक विद द सेकेंड इंडक्टर। नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यू टू द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड बाई यूजिंग द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सम इंड्यूस्ड वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेकेंड इंडक्टर। नेक्स्ट पॉइंट इज द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड वोल्टेज, इट विल डिपेंड अपॉन द रिलेटिव सेंस ऑफ द वाइंडिंग ऑफ द टू इंडक्टर्स एंड देयरफॉर द इंड्यूस्ड वोल्टेज मे बी एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव इन नेचर। सो इट मीन्स व्हेन द टू इंडक्टर्स दे आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर लाइक दिस, सपोज दिस इज फर्स्ट इंडक्टर एंड दिस इज सेकेंड इंडक्टर एंड दे आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। ओके, सो सपोज दिस फर्स्ट इंडक्टर इट इज़ कनेक्टेड विद द वोल्टेज सोर्स। ओके, सो यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड पाथ फॉर्म हो गया, जिसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे करंट फ्लो करेगा इन द फर्स्ट पाथ। सो दिस सपोज दिस इज आई वन करेंट, सो नाउ दिस इज एल वन, दिस इज एल टू। ओके, सो नाउ वी नो दैट बिकॉज यहाँ पे क्या है कि जो वोल्टेज है वो साइनसॉइडल है, इट मीन्स ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, जिसकी वजह से जो करंट है वो भी क्या है, ऑल्टरनेटिंग है, इट मीन्स जो करंट है वो टाइम वेरिएंट होगा। सो व्हेन दिस करंट इट इज़ पासिंग थ्रू दिस इंडक्टर इट विल बी प्रोड्यूसिंग अ फ्लक्स। ओके, सो इट विल बी प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फ्लक्स विच विल बी लिंकिंग विद इटसेल्फ, मतलब खुद की कॉइल के साथ वो लिंक करेगा। तो सपोज दिस इज फाइ वन वन, ओके, दैट इज लिंकिंग फर्स्ट कॉइल ड्यू टू द करंट इन द फर्स्ट इंडक्टर एंड इट विल ऑल्सो लिंक इट्स नेबरिंग कॉइल, दैट इज इट विल लिंक विद द सेकेंड इंडक्टर एंड इट इज गिवन बाय फाइ वन टू, दैट इज करंट फ्लोइंग इन द फर्स्ट कॉइल इज लिंकिंग विद द सेकेंड इंडक्टर। ओके, सो बिकॉज ऑफ द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMF इज इंड्यूस एंड इट इज गिवन बाय NdΦ/dt। ओके, सो if there is rate of change of flux linkage then only the EMF will be induced. So as the voltage is sinusoidal तो जो current produce होगा उसकी वजह से वो भी sinusoidal, या we can say that it will be alternating in nature. So flux will also be in alternating in nature. So because of that there will be rate of change of magnetic flux and because of that the induced voltage is induced across the second inductor. And the polarity of the induced voltage, it will depend upon the sense of the both windings. That is, it will depend on the sense of L1 and L2. So now, coupling, that is both these coils, they are coupled together. So coupling is of two type. First is positive coupling and next we have negative coupling. So यहाँ पर सबसे पहले हम positive coupling देखेंगे, ठीक है। So यहाँ पर क्या है कि ये क्या है, ट्रांसफॉर्मर का सिंबल है, जहाँ पे क्या है, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल दे आर लिंक टुगेदर एंड दे आर म्यूचुअली कपल्ड। ओके, सो दिस डॉट इंडिकेट दैट दे आर म्यूचुअली कपल्ड। सो एज कपलिंग क्या है, टू टाइप्स की है, पॉजिटिव कपलिंग। सो इफ करंट इज एंटरिंग इन टू बो द डॉट्स, सो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट इंडक्टर को देखें देन इस डॉट में क्या है, ये आई वन करंट एंटर हो रहा है। सिमिलरली इफ यू सी दिस डॉट अगेन दिस आई टू करंट इट इज एंटरिंग, सो दोनों डॉट पे क्या है, करंट जो है वो एंटरिंग नेचर का है। तो इस टाइप की जो कपलिंग है उसको हम पॉजिटिव कपलिंग कहते हैं एंड द इफेक्ट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज पॉजिटिव। सो बिकॉज ऑफ दैट जो इंड्यूस्ड EMF है इट इज ऑल्सो एडिटिव इन नेचर। सो नाउ इफ वी अप्लाई द KVL इन द टाइम डोमेन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अप्लाई द KVL इन दिस लूप। ओके, so this V1 is the voltage across this inductor and also we have mutual coupling, so this V1 it is equal to, so voltage across inductor it is given by L1 into DI1, so DI1 by DT plus M, that is mutual inductance, this is due to the current flowing in the second coil, so that is D of I2 by DT. okay, so suppose this is equation 1. Similarly we will apply the KVL in this loop, so from here we are getting V2 value, it is equal to first is M
into di1 by dt, that is voltage induced due to the mutual inductance, and that is due to the current flowing in the first coil, plus voltage due to the self inductance, that is L2 into d of i2 by dt. Okay, so these are two equations. So now let us write these two equations in the S domain. Okay, so for writing the equation in the S domain, we will apply the Laplace transform on both the sides. Okay, so now we will write the KVL equation in S domain. So we will take Laplace transform on both the sides. So first equation is V1. So it will become V1 of S. It is equal to L1 into di1 by dt. So it is L1, and in Laplace di1 by dt is represented by S into i1 of S. Okay, so this will become L1. Then we have derivative, so this is S into i1 of S. Then we have mutual inductance M into di2 by dt, so this is S into i2 of S. Similarly, we will apply the Laplace transform on the second equation, so we will obtain the value of V2 of S. It will be equal to M di1 by dt, so this is M. Derivative hai, toh wahan pe kya hai, hume S wali term include karne padegi, so this is M into S into this is i1 of S. Then we have L2 into S into i2 of S. So now we can represent both these equations in the matrix form. So that is V1 of S. Okay, this is V1 of S and this is V2 of S. So this will be equal to, so in the first equation, coefficient of I1 of S is S into L1 and coefficient of I2 of S is S into M. Similarly, in the second equation, coefficient of I1 of S is S into M, and here coefficient is S into L2. Then we have I1 of S and this is I2 of S. So this is the KVL equation in S domain. So if you want the equations in the sinusoidal excitation, means omega ki respect mein chahiye, then we know that S is equal to j omega. So simply you can substitute S is equal to j omega here. Okay, so you can write S is equal to j omega, then you can obtain the sinusoidal excitation equation. Now next, let us see negative coupling. So in case of negative coupling, in the first coil the current is entering into this dot, okay, and in the second coil current I2, it will be leaving the dot. It means agar dono dot pe current enter ho raha hai, enter current leave kar raha hai simultaneously, then that is a concept of पॉजिटिव कपलिंग. नेगेटिव कपलिंग में क्या है, एक डॉट पे करंट एंटर हो रहा होगा एंड सेकंड डॉट से करंट विल लीव. सो दिस इज अ नेगेटिव कपलिंग सर्किट. सो इन दिस केस द इफेक्ट ऑफ म्यूचुअल कपलिंग इज नेगेटिव एंड बिकॉज ऑफ दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सब्ट्रैक्टिव इन नेचर. सो इफ वी अप्लाई द केवीएल इक्वेशन इन द टाइम डोमेन, देन वी आर गेटिंग. So if we apply the KVL in the first loop, then we are getting this V1, it is equal to L1 into di1 by dt. So yahan pe kya hai, negative coupling hai, so because of that it will be minus of M into d of i2 by dt. Okay, so this is equation 1. Similarly, in the second loop, if we apply the KVL, then V2, it is equal to, first is minus of M into di1 by dt, then plus we have L2 and this is d of i2 by dt. So mutual के साथ क्या है, आपको अपोजिट ब्रांच का करंट लिखना है, एंड अगर आप सेल्फ इंडक्टेंस लिख रहे हैं देन उसी ब्रांच का करंट आएगा जिस पाथ में आप KVL अप्लाई कर रहे हैं. सो नाउ लेट अस राइट द KVL इक्वेशन इन S डोमेन. सो वी विल अप्लाई द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑन दिस इक्वेशन 1 and 2. सपोज दिस इज इक्वेशन 2. सो let us write the KVL equation in S domain. So it will be equal to V1, this is equal to L1, so this is L1 into, we have di1 by dt, so this is S into, okay, so this is S into i1 of S. Then we have minus of M into di2 by dt, so this is minus of M into S, minus of M into S into I2 of S. Similarly, V2 equation, it will be equal to minus of M S
I1 of S, then we have L2 S into I2 of S. So if we write these two equations in the matrix form, then we are getting this will be V1 of S and this is V2 of S. It will be equal to, this is S into L1, this is minus of S into M, minus of S into M, this is S into L2, and current we have I1 of S and this is I2 of S. So this is the KVL equation in S domain. Now let us see the relation between the self inductance and the mutual inductance. So yahan pe kya hai ki jo mutual inductance hai, it is given by K into square root of L1 into L2. So this formula is important. This give the relation between self inductance and mutual inductance. Okay, so yahan pe kya hai ki jo K hai, it is given by the coefficient of coupling. So it is a ratio of useful flux by total flux. So basically by the value of K, we get to know that how much of the flux is not linking with the other coil. Okay, so K ki jo value hai, it lies between 0 and 1. So if K value is 0, it means the two coils are not coupled. So agar dono coils coupling nahi, unke beech mein koi bhi coupling nahi hai, it means the entire flux is not linking. So we can say that K value is 0, and if K value is 1, it means we can say that they both coils are perfectly coupled. So perfectly agar coupled hai, to it means there is no leakage flux. Okay, so they are perfectly coupled, it means there is no leakage flux when K is equal to 1, and in K is equal to 0, the entire flux is leaking because yahan pe koi bhi coupling nahi hai, to jitna bhi flux hai wo sara leak kar raha hai because wo another coil को link नहीं कर रहा. And if K value is less than 0, it means the coils are loosely coupled. Coupling तो है but they are loosely coupled, it means majority of the flux is getting leaked. Okay, so majority of the flux is leaking. Okay, so यहाँ पर leaking का मतलब है कि अगर वो other coils को link नहीं कर रहा, then we say that it is flux is leaking. And if K is greater than 0.5, it means coils are tightly coupled, so it means leakage is very less. Okay, leakage is very less, and K is equal to 1, this is a ideal case when there is no leakage. Now let us see equivalent inductance calculation. So in this topic we will see, agar aapko different circuits given hai, I mean different couplings given hai, to kaise aap uska equivalent circuit draw karenge so that you can easily find the equivalent inductance of that given circuit. So suppose this type of coupling is given. Okay, so I am taking two coils. Okay, this is first coil and this is, suppose this is second coil. ओके, सो यहाँ पे दो कॉइल्स गिवन हैं, दिस इज एल वन, दिस इज एल टू. करेंट फ्लोइंग इन दिस कॉइल इज आई टू एंड दिस इज करेंट आई वन, एंड दिस इज डॉट इज गिवन लाइक दिस एंड दिस इज एम. इट मीन्स बोथ द कॉइल्स आर म्यूचुअली कपल्ड. सो इफ यू सी this I1 current, it is entering into this dot, and this I2 current, it is also entering into this dot. So first of all we will consider the current I1. Okay, so सबसे पहले क्या है आपको, this circuit आपको draw करना है. Okay, like this, and you have to draw both these dot together. So now we will consider the current one by one. So सबसे पहले we will consider the I1 current. Now this I1 current, this is entering into this dot. So करंट यहाँ से एंटर हो रहा है, सो इट मीन दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड इट इज लीविंग फ्रॉम हेयर, सो दिस इज नेगेटिव टर्मिनल. सो इफ़ वी सी हेयर, सो यहाँ पे क्या है कि जो प्राइमरी साइड है, जो डॉट है, उस पर क्या है, पॉजिटिव पोलैरिटी है. सो अगर इस डॉट पे पॉजिटिव पोलैरिटी है, तो इस डॉट पे भी क्या है, पॉजिटिव पोलैरिटी है, एंड यहाँ पे क्या है, नेगेटिव पोलैरिटी है. इट मीन्स बिकॉज ऑफ दिस आई वन, दिस पोलैरिटी इज इंड्यूस्ड ऑन द सेकेंडरी साइड. ओके, सो सिमिलरली वी विल सी फॉर दी आई टू करेंट. सो बिकॉज ऑफ आई टू करेंट, विच पोलैरिटी इज इंड्यूस्ड ऑन द प्राइमरी साइड. सो दिस इज द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ई एम एफ. ओके, सो सिमिलरली वी विल सी फॉर आई टू करेंट. सो आपको इस तरीके से क्या है, सर्किट ड्रॉ कर लेना है सबसे पहले.
okay, and you have to mark the given polarities. Now we are considering the I2 current separately. So because of this I2 current, it is entering into this terminal. So this is positive and this is negative. So यहाँ पे dot पे कौन सी polarity आई? Positive, because current क्या है, इस terminal पे enter कर रहा है. तो जहाँ से current enter करता है that is positive, and जहाँ से current leave करेगा that is negative. So dot पे कौन सी polarity आई? Positive. So because of this, it will induce the positive polarity on the primary side and this will become negative. So now we have obtained the polarities on the primary and secondary side because of I1 and I2 current separately. Now we will draw its equivalent circuit. So first of all, you have to draw this L1. Okay, so self inductance hai, wo to rahega hi. Because of this I2, the EMF is induced on the primary side. So because it is induced because of the I2 current and it is inducing on the primary current, so we have to represent this by a dependent voltage source. Okay, because it is depending on the current which is flowing in the secondary winding. Okay, so I2 की वजह से जो polarity is induced हुई है voltage की primary side पे, that is this positive and negative. So this will become positive and this is negative. Okay, so I2 current की वजह से primary side कौन सी polarity आपको वो consider करना है. So this is L1 and this will be M into d of I2 by dt. This is the value of voltage induced on the primary side due to I2 current and this is I1 current. Similarly, we will draw the circuit on the secondary side. So self inductance, this is L2, and now because of this I1 current, voltage will be induced on the secondary side. So again it will be dependent because it is depending on primary current. So this is I2. So यहाँ पे क्या है, इस I1 की वजह से secondary side जो polarity induced है that is positive and negative. So upward terminal is positive and below terminal is negative. Value will be equal to M into dI1 by dt because this is of the primary current. Okay, so this is the equivalent circuit for this given circuit. Similarly, if we see the second case, suppose this circuit is given. Okay, so this is primary side and this is secondary side coil. Okay, current flowing is, these are two dots and they are mutually coupled. This is L1 and this is L2. Now the current polarity, so I1 is entering and this I2 current, it is leaving this side. So this is I2. Okay, so now we will consider I1 and I2 current separately. So सबसे पहले क्या है, हम I1 current की वजह से देखेंगे what is polarity induced on the secondary side. So first of all, you have to draw this given circuit as it is, okay, and you have to mark the given dot polarity. So ये जो polarities हैं आपको already given है. Now let us consider the I1 current first. So this I1 current, it is entering. Okay, so this is entering from here, so this is positive and this is negative. So it means यहाँ पे dot पे जो polarity है that is positive. So because of this, this dot, it will also become positive and it will become negative. Okay, now we will consider the I2 current. So this is the given circuit and these are the dot polarity. Okay, so now I2 current, it is leaving. So this I2 current, it will come, so it will enter from here. So it means this will be positive because यहाँ से current enter होगा and यहाँ से leave करे, तो it means this will be negative. So now यहाँ पे क्या है, dot पे क्या है, negative polarity introduce हुई. So because of that, it will introduce this negative polarity on the primary side. So this will become positive. Okay, so I1 ने जो voltage की जो polarity introduce की secondary side, that is positive and negative, but because of this I2 current, the voltage induced on the primary side has the polarity of negative and positive. Okay, so now you can draw the equivalent circuit. So first of all, we are having L1, that is self inductance. Okay, so this is I1 current, this is L1. Okay, so now induced voltage because of I2 current. Okay, so I2 की वजह से क्या है, primary side पे voltage induced हुआ. So because of this I2, the voltage polarity introduced on the primary side is negative and positive. So ऊपर वाला जो terminal है वो negative है and below terminal is positive, and value will be equal to M into d of I2 by dt. Mutual, because it is, this voltage is introduced because of the current which is flowing in the another winding. Okay, and on the secondary side we have L2. This current is
leaving like this. So this is I2, this is L2. So now on the secondary side, EMF introduce because of the I1 current, it will have the polarity. So I1 ki wajah se secondary side jo voltage induced hua, uski polarity kya hai? Plus and minus. It means upward terminal is positive and downward terminal is negative. This is M into D of I1 by DT. Okay, so now you have obtained the equivalent circuit. Now if you have to calculate the equivalent inductance, you can apply the KVL in the input and output loop. Then you easily will get the KVL equations and then you can easily find the equivalent inductance. Now let us see one more circuit. So this is third case. So in the third case, we have again two coils. Okay, so these two coils are given. And okay, let me draw little bit away. So this is secondary coil, okay, and this current is entering, that is I1 current is also entering and this I2 current it is also entering, but the polarity given is like this. Ek dot yahan pe given hai and ek dot yahan pe given hai. Now then how to draw the equivalent circuit? So first of all, we will consider the I1 current. Okay, so this is the circuit given. Voltage polarity jo hai, this is dot and this is also dot. Now let us consider this I1 current. So this is I1 current. Now this I1 current is entering from here. So ye terminal positive hai and this is negative. So yahan pe kya hai ki jo dot hai us pe kya hai, positive polarity hai. So ye wala jo dot hai, it will become positive. So this will become negative. So because of this I1 current, this positive, it is induced here. Okay, so I1 करंट की वजह से सेकेंडरी साइड जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगी उसकी पोलैरिटी है नेगेटिव एंड पॉजिटिव. ओके, सिमिलरली वी विल सॉल्व फॉर I2 करंट. सो गिवन सर्किट इज दिस. ओके, सो दिस इज गिवन एंड दिस इज डॉट्स. नाउ दिस I2 करंट इट इज एंटरिंग. सो यहाँ से क्या है, करंट एंटर होगा. सो दिस इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो यहाँ पे क्या है, डॉट पे वी आर गेटिंग नेगेटिव पोलैरिटी. सो इट विल इंट्रोड्यूस द नेगेटिव साइन हेयर एंड दिस इट विल बिकम पॉजिटिव. ओके, सो I2 करंट की वजह से प्राइमरी साइड जो वोल्टेज इंड्यूस होगी उसकी पोलैरिटी क्या है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. सो जो डॉट्स हैं उन पर क्या है, सेम साइन आएगा. सो वी कैन ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट. सो ऑन द प्राइमरी साइड दिस इज L1 एंड दिस इज L2. ओके, सो ऑन द प्राइमरी साइड वी हैव करंट इज एंटरिंग. सो दिस इज I1, दिस इज L1. ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस I2 करंट जो वोल्टेज इंड्यूस होगी प्राइमरी साइड, दैट इज अ डिपेंडेंट voltage source and polarities is negative and positive. So this is negative and positive. This is M into D of I2 by DT. And similarly on the secondary side we have, this is L2. Again current is entering. So because of the I1 current, voltage polarity introduced on the secondary side is negative and positive. So this will be a dependent voltage source. Okay, so this is dependent voltage source, upward terminal is negative and this is positive, value is M into D of I1 by DT. So this is the equivalent circuit for this configuration. Okay, so इस तरीके से आप किसी भी given circuit का equivalent circuit draw करके उसका equivalent impedance easily find out कर सकते हैं. So now let us see a question. Find the equivalent inductance between the terminals A and B. Okay, so this is terminal A and this is terminal B. So यहाँ पे क्या है, सीरीज में दो इंडक्टर्स गिवन है L1 एंड L2 एंड दे आर म्यूचुअली कपल्ड. सो जो डॉट पोलैरिटी है वो इस तरीके से गिवन है. ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या है, उसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना होगा, तभी हम उसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज फर्स्ट इंडक्टर एंड दिस इज सेकेंड इंडक्टर, L2 इज गिवन. ओके, एंड डॉट पोलैरिटी इज, so this is dot, okay, and this is another dot. So this is L1 and this is L2 and they are mutually coupled. Okay, this is M. So now let us connect a voltage source. Okay, so now let us connect a voltage source. This is V. So suppose current flowing is I. okay, so now first of all we will consider the voltage polarity
इंट्रोड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल बिकॉज ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द फर्स्ट कॉइल्स. ओके सो यहाँ पे क्या है कि जो आई वन आई करंट है वो क्या है यहाँ से एंटर करेगा. सो दिस इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ नेगेटिव. सो यहाँ पे डॉट पे कौन सी पोलैरिटी आई? नेगेटिव. सो इट मींस बिकॉज ऑफ दिस द ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल दैट इज इन एल टू दिस डॉट इट विल बिकम नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव. सो मतलब क्या पोलैरिटी इंट्रोड्यूस हुई? नेगेटिव एंड पॉजिटिव. ओके सिमिलरली इफ वी सी the voltage polarity introduced in the first coil because of the current flowing in the secondary. So यहाँ पर क्या है कि जो I current है first of all यहाँ से enter कर रहा है तो dot पर क्या polarity आई? positive. And this polarity it will be negative because secondary coil में L2 में जो current है वो यहाँ से enter कर रहा है. So dot पर positive आया. So because of this it will introduce positive polarity here and this will become negative. Okay. So because of this negative and positive polarity voltage polarity is introduced on the L2 coil. So equivalent circuit will become, so first of all we are having L1. okay so L2 में जो current flow करेगा उसकी वजह से क्या है L1 में एक voltage introduce होगा and उसकी polarity क्या थी? नेगेटिव एंड पॉजिटिव. ओके सो दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव. दिस इज एम दैट इज म्यूचुअल एंड वोल्टेज इज इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द करंट. क्या है आई वन करंट दोनों में जो करंट है वो सेम करंट बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. सो दिस विल बी इक्वल टू एम इन टू डी आई बाई डी टी. ओके देन वी हैव एल टू. सो इन द सेकेंडरी कॉइल एल टू बिकॉज ऑफ द करेंट फ्लोइंग इन द फर्स्ट कॉइल एल वन वोल्टेज पोलैरिटी इंट्रोड्यूस इज अगेन दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव. सो दिस इज एम इन टू डी आई बाई डी टी. ओके सो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट. सो वी हैव कनेक्टेड अ वोल्टेज सोर्स. ओके सो दिस इज वोल्टेज सोर्स and this is current flowing is I. okay so now we can apply the KVL in this loop. So if we write the KVL equation then we are getting, so this voltage V it is equal to L1 into di by dt. then first sign we are getting as minus of m into di by dt. then we have L2 into di by dt. then we are getting minus of di by dt. okay so if we take di by dt common so we are getting L1 plus L2 this is minus of 2m. okay so let us take di by dt common. so we are getting this voltage V it will be equal to L1 plus L2 minus of 2 into m. so we have taken di by dt common. so if we draw the equivalent circuit so this is the voltage source V and this is current I. so entire circuit ko humne ek single L equivalent mein convert kar diya. so we know that this voltage V it will be equal to L equivalent into di by dt. okay so this is equation 1 and this is equation 2. so if we compare equation 1 and equation 2 then we are getting the value of L equivalent as L1 plus L2 minus of 2 into m. okay so it means अगर दो इंडक्टर सीरीज में गिवन हैं एंड दे आर कनेक्टेड इन द अपोजिंग मैनर. सो बिकॉज अपोजिंग मैनर बिकॉज L1 के लिए क्या है कि जो करंट है वो यहाँ से एंटर कर रहा है एंड डॉटेड टर्मिनल पे करंट लीव करेगा. बट फॉर L2 करंट इज एंटरिंग इनटू द डॉटेड टर्मिनल. सो इट मीन्स अपोजिट कॉन्फिग्रेशन है. तो इस केस में जो L इक्विवेलेंट है इट इज गिवन बाय L1 प्लस L2 माइनस ऑफ 2m. सो दिस माइनस इट विल कम इन केस ऑफ अपोजिंग कपलिंग. ओके सो अगर अपोजिंग कपलिंग है देन यू विल गेट माइनस ऑफ 2m. एंड अगर वो सपोर्ट कर रहा है इट मीन्स दोनों डॉट पे या तो करंट एंटर हो रहा है या दोनों डॉट से करंट अगर लीव कर रहा है देन सपोर्टिंग कॉन्फिग्रेशन है उस केस में you will get plus 2m. okay so ye difference hai. so that is the point I have written here.
सो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कैलकुलेशन में सबसे पहले क्या है, सीरीज कनेक्शन है. अगर मीन्स दो या दो से ज़्यादा इंडक्टर्स अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं एंड दे हैव द म्यूचुअल कपलिंग बिटवीन देम, सो इफ़ यू सी दिस L1 एंड L2 इंडक्टर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो दिस इज डॉट एंड दिस इज द डॉट पोलैरिटी गिवन. सो यहाँ पे क्या है कि अगर आप L1 के लिए देखें तो करंट जो है वो डॉट से एंटर हो रहा है. सिमिलरली L2 में भी क्या है कि जो करंट है वो डॉटेड टर्मिनल से एंटर हो रहा है. सो इट मीन दोनों में क्या है, सेम कॉन्फिग्रेशन है. सो इसे हम बोलते हैं सीरीज एडिंग कनेक्शन. एडिंग मीन्स सपोर्टिंग, इट मीन्स दोनों जो डॉट्स हैं वो करंट को सपोर्ट कर रहे हैं. इट मीन्स या तो उनसे एंटर हो रहा है या करंट लीव कर रहा है. सो इस केस में जो L इक्विवेलेंट होगा इट इज़ गिवन बाय L1 प्लस L2 प्लस 2M. तो अगर सपोर्ट कर रहा है तो प्लस आएगा और अगर अपोज कर रहा है तो माइनस. सो नाउ लेट अस सी द सेकेंड सर्किट. सो यहाँ पे क्या है, अगेन दो इंडक्टर्स गिवन हैं एंड दे आर म्यूचुअली कपल्ड. सो अगर आप यहाँ पे डॉट की पोलैरिटीज़ देखें, सो फर्स्ट इंडक्टर में क्या है कि जो ये डॉट की पोलैरिटी, यहाँ पे करंट एंटर कर रहा है, बट फॉर द सेकेंड इंडक्टर इस डॉट की पोलैरिटी से करंट क्या है एंटर कर रहा है यहाँ पे. सो दिस विल बिकम पॉजिटिव एंड इस डॉट से करंट लीव कर रहा है. इट मीन्स अपोजिट कॉन्फिग्रेशन हो गया. सो उस केस में जो L इक्विवेलेंट है इट इज़ गिवन बाय L1 प्लस L2 माइनस ऑफ 2M. सो दिस इज़ फॉर द अपोजिंग कनेक्शन. ओके, सो फॉर अपोजिंग यू विल गेट माइनस 2M एंड फॉर द सपोर्टिंग यू विल गेट प्लस 2M. सिमिलरली पैरेलल कनेक्शंस में भी हैं. सो अगर दो इंडक्टर्स पैरेलली कनेक्टेड हैं एंड उनके बीच में म्यूचुअल कपलिंग है, सो दोनों डॉट से डॉट क्या है यहाँ पे गिवन है. सो यहाँ पे क्या है, दोनों डॉट पे क्या है करंट एंटर हो रहा है. सो उस केस में जो L इक्विवेलेंट है इट इज़ गिवन बाय L1 L2 माइनस ऑफ M स्क्वायर बाय L1 प्लस L2. सो यहाँ पे क्या है कि दोनों में क्या है एक साथ करंट एंटर हो रहा है, तो वो एडिंग कनेक्शन है. बट यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में यू हैव टू राइट माइनस ऑफ 2M, दैट इज अपोजिट साइन आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है. एंड यहाँ पे क्या है, जो बी सर्किट है फिगर बी, यहाँ पे क्या है अपोजिंग इंडक्टर्स कनेक्टेड है. सो अगर आप यहाँ पे देखें तो इस डॉट में करंट एंटर हो रहा है एंड करंट यहाँ पे अनडॉटेड टर्मिनल पे एंटर कर रहा है, बट इट इज़ लीविंग फ्रॉम द डॉटेड टर्मिनल. सो अपोजिट कॉन्फिग्रेशन है. सो उस केस में जो L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है इट इज़ गिवन बाय L1 L2 माइनस ऑफ M स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 प्लस 2M. सो अगर अपोज कर रहा है तो डिनोमिनेटर में प्लस 2M आएगा और अगर सपोर्ट कर रहा है तो माइनस ऑफ 2M. सो ये चार फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टी पैरामीटर ऑफ द ट्रांसफार्मर हैविंग द कपलिंग. इट मीन्स अगर एक ट्रांसफार्मर गिवन है जिसमें क्या है कपलिंग है, देन उसका टी पैरामीटर मैट्रिक्स क्या होगा. सो सबसे पहले क्या है, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. सो सपोज दिस इज द ट्रांसफार्मर गिवन. ओके, सो दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग एंड दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग. ओके, एंड दिस इज L1, दिस इज L2 एंड दिस इज डॉट पोलैरिटी गिवन एंड दे आर म्यूचुअली कपल्ड. सो दिस इज प्लस माइनस V1 ऑफ S, करंट इज I1 ऑफ S. दिस इज प्लस माइनस V2 ऑफ S एंड दिस करंट इट इज एंटरिंग I2 ऑफ S. सो नाउ वी कैन डायरेक्टली ड्रॉ इट्स इक्विवेलेंट सर्किट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग दिस L1. सो S डोमेन में इफ यू राइट देन इट विल बिकम S इनटू L1. ओके, देन वी हैव अ वोल्टेज इंट्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द I2 करंट. ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस I2 करंट अ वोल्टेज इज इंट्रोड्यूस ऑन द प्राइमरी साइड. सो यहाँ पे क्या है, I2 क्या है इस टर्मिनल पे एंटर करेगा. सो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. सो डॉट पे कौन सी पोलैरिटी आई, पॉजिटिव. सो इट मीन दिस डॉट इट विल ऑल्सो बी पॉजिटिव. सो इट मीन्स अपवर्ड टर्मिनल इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. ओके, एंड इन द एस डोमेन दिस विल बी इक्वल टू एस इंटू एम एंड बिकॉज ऑफ द करेंट I2 ऑफ S. ओके, सो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑन द प्राइमरी साइड. सिमिलरली वी कैन ड्रॉ ऑन द सेकेंडरी साइड ऑल्सो. सो वी हैव इंडक्टर, दिस इज S इंटू L2. सो बिकॉज ऑफ दिस I1 करेंट वोल्टेज इज इंट्रोड्यूस ऑन दी सेकेंडरी साइड एंड पोलैरिटी. सो दिस I2 करेंट इट इज़ एंटरिंग. सो डॉट पे क्या है, पॉजिटिव है. सो बिकॉज ऑफ दिस डॉट अ पॉजिटिव पोलैरिटी इज इंट्रोड्यूस ऑन द सेकेंडरी साइड. दिस इज प्लस एंड माइनस. दिस इज S इंटू M इंटू I1 ऑफ S. ओके, सो दिस इज़ द इक्विवेलेंट सर्किट. सो दिस वोल्टेज इट विल बी इक्वल टू V2 ऑफ S एंड दिस करेंट इट इज़ I2 ऑफ S. सिमिलरली दिस करेंट इज I1 ऑफ S एंड दिस इज प्लस माइनस दिस इज V1 ऑफ S.
So now if we write the KVL equation, we are getting, so let us apply the KVL in this loop. So this V1 of S, it will be equal to S into L1. Current flowing is I1 of S, and first terminal we are getting plus, so this is plus SM into I2 of S. Similarly, if we write the KVL equation in the secondary side, then we are getting this V2 of S. It will be equal to, first of all we will write SM into I1 of S, then we have S into L2, current flowing is I2 of S. So this is equation 1 and this is equation 2. So if you observe equation 1 and equation 2 carefully, then you will notice that we have obtained V1 and V2 in terms of I1 and I2, because yahan pe kya hai ki jo V1 hai, it is a function of I1 and I2 current. Similarly, V2, it is a function of I1 and I2 current. So if we get the equation in this form, then using these two equations, we can directly write its Z parameter matrix. So if we take S common, so the coefficient of I1 is L1 and the coefficient of I2 in the first equation is M. Similarly, in the second equation, coefficient of I1 is S into M, and I have already taken S common, so this is M. And in the second equation, coefficient of I2 is S into L2, so this is L2. So this is the Z parameter matrix we have obtained from these two equations. So let me write the Z parameter matrix again. So we have obtained as S L1 M into L2. Okay, so we have taken S common, Z11 we are getting L1, this is M, this is also M, and this is L2. So we have obtained this Z. So now we can notice that this Z12 and this Z21, they are equal. So if Z12 it is equal to Z21, then we can easily draw, then we can easily draw the T network from this matrix. Okay, so two port network में मैंने आपको shortcut बताया था कि how you can draw और find out the Z parameter matrix from the T network. अब हम ही reverse में जा रहे हैं, तो हमें Z matrix given है, उससे हमें T network draw करना है. So first of all we will draw the T network and then later on we will write its value. So we have drawn this T network. Okay, so this Z12 and Z21 value is M, so this will be equal to M. Okay, and this value, it is, so this will become L1 minus of M and this is L2 minus of M. Because agar aapko ye T network given hai, then how you write the Z parameter matrix? You will write L1 minus M plus M, so this will be simply L1. Okay, and then Z12 is equal to Z21 is equal to M, and Z22 it is given by L2 minus of M. So ट्रांसफार्मर अगर आपको गिवन है एंड हैविंग द कपलिंग, सो उसका जो टी पैरामीटर मैट्रिक्स है वो डेवलप करने के लिए आपको उसको टी नेटवर्क में कन्वर्ट करना होगा लाइक दिस. ओके, सो दिस सर्किट इज फॉर सपोर्टिंग ओके और एडिंग कनेक्शन. सो जो क्वेश्चन हमने कंसीडर किया था उसमें क्या है, सपोर्टिंग कनेक्शन. इफ यू सी दैट एट बोथ द डॉटेड टर्मिनल्स करंट इज एंटरिंग, सो इट मींस वो सपोर्ट कर रहा है. सो इसीलिए इस केस में आप ट्रांसफार्मर को इजीली टी नेटवर्क से कन्वर्ट कर सकते हैं. सिमिलरली अगर आपको अपोजिंग कनेक्शन गिवन है, देन व्हाट यू विल डू, सिंपली आपको अगेन टी नेटवर्क में उसको कन्वर्ट करना है, बट इन प्लेस ऑफ एम दिस इज फॉर अपोजिंग कनेक्शन. ओके, सो अपोजिंग कनेक्शन में यू हैव टू रिप्लेस दिस एम बाय सिंपली माइनस ऑफ एम. सो इफ यू रिप्लेस दिस एम बाय माइनस ऑफ एम, इट विल बिकम L1 प्लस एम, दिस विल बिकम L2 प्लस एम, एंड दिस विल बिकम माइनस ऑफ एम. सो यू विल यूज दिस टी पैरामीटर और टी नेटवर्क फॉर द अपोजिंग कनेक्शन. ओके, सो टी पैरामीटर of the transformer having the coupling. So यहाँ पर transformer given है जिसमें coupling है, so यहाँ पर you can see that this is supporting. Okay, so as it is supporting, you can convert this transformer simply into a T network. So T network में अगर आप करेंगे तो supporting में this will become, this is M and this branch value is
this is L1 and this is L2. So the value of this branch is L1 minus M and value of this branch is L2 minus of M. Similarly, if you are having the opposing connection, because if you see current yahan se enter kar raha hai and the current is leaving from this dotted terminal, so this is opposing connection. So us case mein you have to replace this M value. Okay, so you have to replace M by minus of M, then you will be getting L1 plus M, L2 plus M and minus of M. Okay, so you have to remember this thing. So in concepts pe we will cover the question in the next lecture. So video aapko acha lage to please video ko like and share zarur kare. Thank you for watching.